काल पर हुड़ दंगाइयों पर पुलिस की कड़ी नजर है। लखनऊ में 8,000 जवान 100 जगहों पर तैनात रहेंगे। 100 से अधिक जगहों पर 7,900 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और 16 कंपनी पीएसी की भी ड्यूटी लगी हुई। पुलिसकर्मी रात 7 बजे से 2 बजे तक लगातार गश्त करेगी। अस्पतालों में दवाएं पर्याप्त रखने का आदेश भी दिया गया है। इमरजेंसी बेड व्यवस्था को मौजूद रहने का भी आदेश दिया गया है। तो नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों से निपटने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पुलिस ने जगह जगह पैदल मार्च किया है, निकलकर लोगों से भी बातचीत की है और नए साल पर हुड़दंगाइयों की तरफ से सड़क पर रोड पर कोई हुड़दंग ना किया जाए, जश्न मनाया जाए लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, कोई दंगा फसाद या हुड़दंग ना हो, उसको लेकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। कल देर शाम तमाम जिलों में पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़क पर निकल कर पैदल मार्च करते हुए भी दिखाई दिए। लखनऊ में लगभग 8,000 के करीब पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 100 जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर हुड़दंग होने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है, भीड़ इकट्ठा होने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। उन जगहों को चिन्हित किया गया है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, नए साल के जश्न में किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लोग नए साल का जश्न मनाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की किस तरह से तैयारी? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि नए साल के जश्न में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, और केवल लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव और तमाम जो गृह जो विभाग है वो लगातार सभी पुलिस कप्तानों से बातचीत करने का काम किया, कमिश्नरेट में बातचीत करने का काम किया, और किसी भी तरीके से व्यवधान कोई उत्पन्न करे उसके लिए सादे ड्रेस में जो है वो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उसके अलावा तमाम डाइवर्जन किए गए हैं, जहां जहां पे डीजे और अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं उनको लेकर के आदेश जारी किया गया है। 10 बजे के बाद किसी भी तरीके का डीजे या लाउडस्पीकर या किसी तरीके का जो जश्न है वहां पे शोर शराबा ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। 2 बजे रात तक जो पुलिसकर्मी है वो गश्त करेंगे, ब्रेथ एनालाइजर के जरिए टेस्ट किया जाएगा कि कोई शराब पीकर के गाड़ी तो नहीं ड्राइव कर रहा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ में खास तौर से अलग अलग रूट का डाइवर्जन किया गया है। उसके अलावा जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8,000 पुलिसकर्मी लखनऊ में तैनात किए गए हैं, पीएससी तैनात की जा रही है, और शाम से गहन जो है अभियान पुलिसकर्मी चलाएंगे ताकि कहीं से किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न न हो सके, क्योंकि नए वर्ष का आगमन है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तमाम तरीके से जो है स्टंट करते हैं, शराब पी करके गाड़ियां चलाते हैं। इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला के जो कप्तान हैं, जिला अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों से को निर्देश लखनऊ से जारी किया गया है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई उपद्रव की खबर नहीं आनी चाहिए, अगर आता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अलर्ट है नए वर्ष को लेकर के, और ये देर रात तक एक तरीके से पुलिस गश्त करेंगे। उसकी प्रक्रिया कल रात से ही शुरू कर दिए थे, अलग अलग जनपदों में जो पुलिस कप्तान थे वहां के अलग अलग अधिकारी थे वो पुलिस। ठीक है पवन, यानी कि पुलिस की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि नए साल का जश्न मनाइए, शांतिपूर्वक तरीके से मनाइए, अगर हुड़दंग करते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। बढ़ते आगे, नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह के बवाल को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली और इसके लिए उन जगहों पर खास चौकसी की तैयारी है जहां पर जश्न के दौरान हंगामा होता है। साथ ही छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए भी पुलिस ने तैयारी की है। देखिए, नए साल के जश्न की हर कोई तैयारी कर रहा है, जितनी